तो ज्यादा हाँ मतलब सेवेंथ में हूँ अभी और ये 6 महीने से मतलब मैं मुंबई में ही थी तब मतलब पढ़ाई हुई नहीं है 6 महीने से तो आज क्लासिकल सॉन्ग्स गाऊंगी क्लासिकल सॉन्ग्स का प्रोग्राम कराऊंगी पुराने रीजनल सॉन्ग्स क्लासिकल सॉन्ग्स को कुहू कुहू बोले कोयलिया कुहू कुहू बोले कोयलिया कुंज कुंज में भंवरे डोले गुनगुन बोले आ कुहू कुहू बोले कोयलिया कुहू कुहू बोले का भी शाम तो मेरा
मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। बहुत ही खुशी है और दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी एक पिता को और एक गुरु को, क्योंकि मैं उनका पिता भी हूँ और गुरु भी हूँ, तो दोनों नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खुशी है। क्योंकि एक गुरु जब अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को तैयार करता है, तो किसी स्टेज पर या किसी मुकाम पर बहुत अच्छी तरह से अगर वो आगे निकल जाए तो गुरु को बहुत बड़ी बोले तो उसकी जो सिखलाई है जो गुरु ने दी है उसके लिए सबसे बड़ी बात है। और बच्चियां भी जब अपने पिताजी का, माता पिता का ऐसे नाम करती है तो बहुत अच्छा लगता है। और खासकर ये संगीत क्षेत्र ऐसा है, वो बहुत बोले तो भगवान की एक देन है जो सबको नहीं मिलती, ईश्वर की देन है। और उसी हिसाब से मैं मानता हूँ कि वो बच्चियों में, दोनों बच्चियों में बहुत ईश्वर ने उन्हें जन्म से एक गॉड गिफ्ट दी है। तो जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है वो संगीत, मैं उनसे बहुत बचपन में मैं जान गया था कि ये बच्चियाँ अरे गले में अपने गाना लेके आई है। तो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में, छोटे छोटे संगीत समारोह में उनको मैं गंवाता चला गया, भरपूर रियाज उनसे किया, उन्होंने भी किया। और जैसे कि अच्छे अच्छे छोटे छोटे स्टेज से ये जी लिटिल चैंप्स का, सारेगामापा का उन्हें मंच मिल गया, और उनके लक और उनके मेहनत और गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा, ये सभी बातें उनके उन्हें काम आई और अच्छे मुकाम पर पहुंच गई। और आज जब उनका वो लिटिल चैंप्स बनी अंजलि, तो जो उसके सभी बोले तो पूरे भारत देश में और जहां और प्रदेश में भी जहां पे प्रोग्राम होते हैं कि जहां पे ये प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है, तो सभी लोग यही बोलते हैं कि अंजलि का जो वॉइस है, उसकी जो एक इनोसेंस है, जो निरागसता है, और जो आपने एक पिताजी एक गुरु बोल के उन्होंने उसकी मेहनत की है, तो बहुत दिल को छू लेती है आवाज़ उसकी मेहनत, और आगे बहुत बढ़ेगी, बहुत सबने आशीर्वाद दिया है। और इसी तरह का एक आज का भी एक प्रोग्राम मैं मानता हूँ इस उदयपुर सिटी में, इस जिलों के शहर में और ऐतिहासिक शहर में, और एक इस दिगंबर जैन या स्पिरिचुअल इस स्टेज पे जो यहाँ परफॉर्मेंस करने जाएगी, बहुत बड़ा आशीर्वाद उन्हें यहाँ मिलेगा। और ऐसे ही सभी की मनोकामना है, और इसीलिए वो यहाँ बच्ची या हम बच्चियाँ दोनों आई है। हाँ, आचार्य सुनील सागर जी, परम पूजनीय आचार्य सुनील सागर जी महाराज के छत्र छाया में यहाँ बच्ची आई है, एक प्रोग्राम होने जा रहा है, मुझे बहुत खुशी है। सागर जी महाराज की जय। आज परम हर्ष का विषय है, जो भारत देश में एक नारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिन लोगों ने बेटियों पे भरोसा किया उनके सम्मान का दिवस है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में जो चतुर्मास चल रहा है उसके अंदर ये जो एक प्रोग्राम निश्चित किया गया है, उसके अंदर अंजलि गायकवाड़ आज अपना प्रोग्राम देगी। उस बच्ची ने अपने जीवन में प्रकृति से साथ लेकर एक गले को आई है, और उसकी साथ में बड़ी बहन है जो भी अपना गायन पर प्रस्तुत करेगी। आचार्य श्री का आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा। पर इस भारतवर्ष में जो बच्चियों और जो महिलाओं पर जो चीज देखी जा रही है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अपने को आज टाउन हॉल में देखने को मिलेगा कि उसके पिता ने अपनी बच्चियों पर भरोसा किया और उन बच्चियों को इस तरह से तैयार किया कि वो भारतवर्ष में उनका और अपना खुद का नाम रोशन करे। और ये प्रत्यक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि महिला जब जागती है और महिला जब कुछ करना चाहती है या बच्चियां कुछ करना चाहती है तो इनको देखकर सीखें। और जो माँ बाप बच्चियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और भ्रूण हत्या कर रहे हैं उनको इस परिवार को देखकर यह सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपन बच्चियों पर भरोसा कर सकते हैं और उन भरोसों पर किस तरह से बच्चियां काबिल हैं और वो बच्चियां आपका नाम रोशन करिए। भारतवर्ष में इन चीजों पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये भारतवर्ष पहले ही संस्कृति को लिए हुए है और इस संस्कृति को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, धन्यवाद। बोलिए आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। जो परम पूज्य प्राकृत आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री का चतुर्मास जिलों की नगरी उदयपुर में बहुत ही उत्साह के साथ 4 महीनों से चल रहा है। कलश स्थापना के साथ साथ अभी चतुर्मास समापन की ओर है, तो पीछे परिवर्तन के समारोह में कलश निष्ठापन
18, 19 और 20 तारीख के त्रिदिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। 19 तारीख को कवि सम्मेलन बहुत ही उत्साहपूर्वक हुआ और आज का इस समारोह का अंतिम दिवस 20 तारीख पिछी परिवर्तन में इस धार्मिक समारोह में, जो कि पूरे भारतवर्ष में जिनका नाम है ऐसे जी टीवी का फेमस प्रोग्राम सारे गमों पर लिटिल चैंप्स की प्रथम विजेता अंजलि गायकवाड़ और नंदिनी जी गायकवाड़ और उनके पिता अंगद जी गायकवाड़ यहां पर अपनी प्रस्तुति देंगे। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के जीवन के ऊपर भजन, उनके भक्ति करेंगे, नमोकार महामंत्र की महिमा, शारदा वंदना और उसी के साथ साथ क्लासिकल सॉन्ग्स आप सभी लोगों को सुनने के मिलेंगे। तो सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि ठीक 8 बजे नगर निगम प्रांगण में आकर इस कार्यक्रम का सभी लोग लाभ लेवे। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।